बॉडी बोटल को देख के मैंने ये लिया जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज मुझे जिम जाना है किसी भी हाल में, क्योंकि कल मैंने ऑफ किया था मैच की वजह से, तो आज मैं जाऊंगा किसी हाल में। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो सुबह सुबह शहद और गर्म पानी, क्या मजा आता है इसको पीने में। ये ले गजारा तो चम्मच, जबरदस्त मजा है, जबरदस्त। जा रहा हूँ मैं सुबह सुबह रोटी लाने, क्योंकि मैं अभी उठाऊँ 10 बजे हैं, तो पहले मैं रोटी लाने जा रहा हूँ। अभी मैं रोटी लाने जाऊँगा, तो फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर बाद। रोटी तो मैं ला के आ चुका हूँ, अभी चाय पी, तो फिर पापा को भी चाय लेनी है, तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर। अभी सुबह सुबह मैं अपने लिए ओट्स बना रहा हूँ, तो पहले मैं दूध गर्म करूँगा। ओट्स तो मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसमें फिर इसमें दूध डाल दूंगा इसमें, क्योंकि गर्म दूध करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं इसको 5 मिनट, फिर 5 मिनट के बाद डाल देते हैं। दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब मैं डाल दूंगा ओट्स में। पीनट बटर तो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी इसको रखते हैं ऐसे ही 5 मिनट के लिए, जब तक ये हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद इसको खा लूँगा मैं, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगा। यहाँ पे मेरा ओट्स तैयार हो चुका है, जो मैंने रखा था 5 मिनट के लिए, बट मैं आधा घंटा इसको ऐसे रखा, क्योंकि मैं बाहर कुछ काम कर रहा था, तो उस वजह से मैं इसको खा नहीं पाया, तो अब खा रहा हूँ। बट मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो मैं ओट्स इससे पहले खा था वो ऐसा नहीं होता था। वो देखो ये कितना बड़ा होता है, मतलब इस बीच जैसे लग रहे हैं ये, तो ये तो अच्छा है। मैंने ये किसी बॉडी बिल्डर को देख के मैंने ये लिया, बट है ये बहुत अच्छा, बट टेस्ट इसमें कुछ नहीं है। कल का हो गया यार, इसमें टेस्ट है ही नहीं, बट इसमें टेस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टेस्ट बगैर है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब वो जैसे आता है बिग मसल का, नहीं बिग मसल का ना, जैसे वो आता है बिग अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहा है ना, मसल ब्लेज का टेस्ट होता है, मसल ब्लेज में टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट नहीं होता। अगर मसल ब्लेज का खाओगे उसमें टेस्ट मिलेगा, चॉकलेट फ्लेवर मिलेगा उसमें, बहुत सारा उसमें टेस्ट मिलेगा, बट ये टेस्ट के बगैर है, ये विदाउट टेस्ट है। और हाँ एक चीज है, बट ये उससे बेहतरीन है, ये मैं खुद कह सकता हूँ, उससे बेहतरीन। उससे मेरा पेट बाहर निकला था, बट इससे मेरा पेट बाहर नहीं निकल रहा है, इससे मतलब ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, वो डाइजेस्ट मुझे होता नहीं था। बट मेरे लिए सुटेबल यही है, मैं यही खाऊंगा, तो किसी को वो पसंद आता है तो वो खा ले, मैं नहीं कहूँगा कि हाँ यही खाना है जरूर, बट है ही अच्छा मेरे हिसाब से, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आप अपना देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात। तो गाइस चलिए निकलते हैं जिम अब, क्योंकि 3 बज गए, बहुत देर हो चुकी है। आज साहिल भी आएगा, आज मुझे लगता है वो वर्कआउट करेगा 100%, तो आज मैं कुछ भी हो जाए आज तो मैं उसे वर्कआउट करवाऊंगा। तो चलिए निकलते हैं। जिम में हम आ चुके हैं और ये साहिल भाई है, ये भी आ चुके हैं। आज से वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे, आज तो बस ये वार्म अप करेंगे, फिर कल से एक कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब जिम में, करेंगे आज अपना वर्कआउट। अभी मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगा, आज लेग्स करूँगा या शोल्डर करूँगा या तो फिर बाइसेप एंड ट्राइसेप, दोनों से देखता हूँ क्या करूँगा मैं। तो गाइस अभी मैं मारूंगा साइड रेज, 10 kg पे स्टार्ट करूँगा मैं, और ये मैं सिंगल हैंड मारूंगा, डबल हैंड नहीं मारूंगा। 1, 2, 3। अभी जो है मैं अरनॉर मारूंगा शोल्डर का वर्कआउट, तो ये मारते हैं दूसरा वाला। चलो मानन से दूसरा वाला मारेंगे अभी, दूसरा वाला चलो से मानन, चलो मानन से दूसरा वाला, दूसरा अब मारेंगे दूसरा। मैं शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज करूंगा, जो ये मशीन है हमारी, इसमें मैं कम से कम 30 या 40 पे ले जाऊंगा, देखता हूँ कितना वेट हो जाएगा, 30 या 40 तो ले ही जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा मुझसे। 50 रख दे सीधा। वन टू, तो अभी जो मैंने वर्कआउट किया उसे स्ट्रैक्स बोलते हैं, और हम कालर भी बोल सकते हैं उसे। तो मैंने जो वर्कआउट किया, तो ये मुझे बेस्ट लगता है अपनी बॉडी में ये बनाना, क्योंकि ये दूर से इंसान को हाईलाइट करता है कि हाँ बंदे में बॉडी है, ये जिम जाता है, तो ऐसा है। तो अभी मैं बाइसेप की वर्कआउट करूंगा, तो चलिए करते हैं बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट। अभी जो मैं ना अभी जो बाइसेप का वर्कआउट करने वाला हूँ, मैं लेग्स का नहीं करने वाला,
किस लिए? क्योंकि मेरे को सैटरडे को करने हैं लेग्स, और उस दिन मैं करूँगा ट्राइसेप। तो आज मैं बाइसेप मारूँगा और ये मैं 12:30 से स्टार्ट करूँगा। तो करते हैं ये वाला पहला सेट। 1, 2, 3 आज मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। अभी बंदे जिम कर रहे हैं अभी, बट मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। बट अभी सर्दी बहुत है यहाँ पे इस टाइम, थीनी परसों से थीनी सर्दी इतनी, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अभी चलते हैं घर, बाइक से आया हूँ मैं, तो टाइम भी लगेगा क्योंकि दुकान पे भी जाना है, वहाँ से मुझे कुछ लाना है। तो उसको मैंने बोला था पर लाना था मुझे, अगर वो खुला होगा तो लाऊंगा, अगर नहीं तो फिर कल लाऊंगा, फिर तो जल्दी पहुंच जाऊंगा घर, कल लाऊंगा फिर मैं, तो निकल जाएंगे फिर जल्दी। और आज अपना मल्टीविटामिन भी लेंगे हम, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अभी मेरे पास एक पड़ा है, है मेरे पास पूरा वहाँ पे, बट अभी मैंने एक निकाला है। इसमें 3 टैबलेट्स होते हैं, ये ब्लेज का है, ये तो ये मसल ब्लेज का है, 3 टैबलेट्स होती हैं इसमें, तो खाते हैं। तो गाइस अभी मुझे ATM पे भी जाना है, तो पापा का पुराना ATM है उसको भी चेक करना है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, और दुकान भी दोनों जाना है। सकले ने मना किया, आने को बोला सब्जी बहुत है, नहीं नहीं आऊँगा, तो अकेले जाओ। तो चलिए चलते हैं ATM पे। नीचे वाला जो ATM है हमारा बैंक के सामने, वो नहीं चल रहा है, वो बंद है पता नहीं क्यों। तो चलिए देखें, HDFC का ATM है अड़े में, तो देखते वो वहाँ पर खुला है या नहीं है, चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ डिपार्टमेंट स्टोर, क्योंकि मुझे लाना था यहाँ पे पास्ता, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्राइड राइस भी है और बिरयानी भी मिल रही है, बट मुझे ये वाला रहना है जो मैंने पास्ता इसको बोला था लाने को, तो इसने वो लाया है। तो अभी हम ले चलेंगे ये घर। वे ATM भी गया था बट वो चल नहीं रहा था, वो बंद वो वाला भी था। तो चलिए चलते हैं घर, मिलेंगे आपको सीधे आप घर में। अभी मैं आ चुका हूँ घर, और मैंने जो शॉपिंग थोड़ी सी की वो तो मैंने पास्ता किचन में रख दिया, और भी मैंने अभी अपने लिए अंडर आर्म्स के लिए एक ये मशीन लाई है, और ये उसके ब्लेड्स, क्योंकि क्या हुआ कि जो मेरे पास इससे पहले मशीन थी वो ख़राब हो चुकी है, मेरे पास फिलिप्स की थी वो वहाँ पे रखी है, बट वो ख़राब हो गई, मुझे लगता है वो पानी की वजह से, मैं इसको धोता था तो पानी की वजह से ख़राब हो गई। तो मैंने अभी ऑर्डर कर रखी है, बट वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तब तक मैं यही यूज़ करता हूँ और उसके बाद कोई और। तो चलिए अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, घर वाले बुला रहे हैं, तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। गाइज़ मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ, मैंने बिस्तर अपनी डाल दिया है। तो सकलेन अभी चाचा के यहाँ पे ही, अभी अभी नहीं आया वो, जैसे कल भी वो वहीं पे था, मुझे लगता है आज वो बहुत लेट से आएगा क्योंकि उसकी वहाँ पे दावत थी आज। और मेरे फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो रही है क्योंकि मैंने इसे चार्जिंग पे नहीं रखा था, क्योंकि मैं बाहर ही था तो मैंने इसे चार्ज नहीं किया था। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।